हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक हो रहे, हैप्पी रहोगे। दोस्तों आज मैं फिर से एक बार आया हूँ मुंबई डिस्कस गैलरी में, और पूरा हम लोग आ जाए स्टॉक है वो कवर करने वाले हैं इनके पास का। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज हम लोग न्यू लोकेशन पे है, तो हमारे साथ है भाविक जो पूरा मुंबई डिस्कस गैलरी हैंडल करते ओनर है। तो सर आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ये लोकेशन थोड़ा चेंज दिख रहा है जी, अभी नए स्टॉक के साथ हमारा लोकेशन भी स्विच हो गया है। अच्छा, सो ये कांदीवली में बेस्ड है और सेक्टर नंबर 4 चारकोप। सर अभी लोकेशन आपका चेंज हुआ है, अभी व्यूअर से वो आना चाहता है तो आपके लोकेशन पे आ सकते हैं ना? हाँ, लोकेशन पे कभी भी आ सकता है। आप बस आने से पहले एक बार मुझे कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा। सो उसके हिसाब से हम अलाइन कर लेंगे, बाकी जैसा आप लोकेशन मैं आपको कॉल पे बता दूंगा कि कहाँ पर है। एग्जैक्टली ओके। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हो तो प्लीज़ इनको एक बार आप इन्फॉर्म कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सर रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टॉक है पूरा कवर करने के लिए स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी ब्यूटीफुल डिस्कस फिश है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में रहते हैं यहाँ पे, तो आपको काफ़ी वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, और अलग अलग स्ट्रेन है इस वीडियो में आपको दिखने वाली है। तो अभी हम लोग फर्स्ट डिस्कस फिश है वो कवर कर रहे हैं, ये वेराइटीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं मुंबई डिस्कस गैलरी में। तो यहाँ पे इस टैंक में कौन सी डिस्कस फिश है? इसमें स्पॉटेड इरप्शन है, मेज लेपर्ड है, कैलिको है, गोल्डन चेकर बोर्ड्स है, और स्नो इरप्शन है, रिफ्लेक्शन डी है। अच्छा, ये सब जम्बो साइज है, 6 इंच। अच्छा, एक चेकर बोर्ड आपको 4 इंच का है, बाकी सब 6 इंच के हैं। और इसका प्राइस रेंज रहेगा 4,000 से लेके 15,000 रुपये तक रहेगा, ये रेंज है इसमें। मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़े, मतलब 6 इंचेस, मतलब काफ़ी बड़ा हो गया, और सबका जो शेप है वो काफ़ी, मतलब एकदम परफेक्ट शेप है, वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ये कौन सी वेराइटी आपने बोली? स्नो इरप्शन। अच्छा मस्त है ना? यस, काफ़ी अच्छा। रेस इरप्शन में आती है ना? हाँ, स्पॉटेड इरप्शन। यस, तो दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल वेराइटीज़ है, काफ़ी कम जगह पे ऐसा स्टॉक है डिस्कस फिश का, इतना हेल्दी स्टॉक है वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो मुंबई डिस्कस गैलरी में अवेलेबल है, काफ़ी ह्यूज डिस्कस फिश है, तो एक बार इनके लिए आप चेकआउट कर सकते हो। तो अभी दोस्तों हम लोग सेकंड टैंक कवर कर रहे हैं मुंबई डिस्कस गैलरी का। यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत वेराइटी है, काफ़ी ब्यूटीफुल वेराइटीज़ है। तो सर इनके बारे में बताइए। इसमें सब असॉर्टेड ग्रेड्स है, गोल्डन चेकर बोर्ड्स है, रेड चेकर बोर्ड है, वाइट फेस रेड है। अच्छा। येलो क्रिस्टल है, रफलेसिया है, स्नो इरप्शंस है, सब मिक्स वैरायटी है। और साइज इसका 3.5 इंच है, एक्चुअली 3 इंच से लेके 4.5-4 इंच तक है मैक्स। और इसमें प्राइसिंग रहेगा 1,000 रुपये से लेके 4,000 रुपये तक का रहेगा एक। अच्छा हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर वेराइटी है, काफ़ी अच्छे शेप में है, कलर भी इनका काफ़ी अच्छा है वो शो हो रहा है, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है, और 1,000 रुपीज़ मतलब काफ़ी रिजनेबल प्राइस है इतने अच्छे वेराइटीज़ के लिए। आप देख सकते हो कितना अच्छे से शो हो रहा है कलर, और ये नेचुरल कलर है इनका, कोई भी हार्मोन्स फीडिंग नहीं है। तो आप जब भी घर पे लेके जाओगे तो सेम इनका कलर रहेगा, किसी भी प्रकार का फेड नहीं होगा। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट टैंक कवर कर रहे हैं, आज हमें एक से बढ़कर एक डिस्कस फिश की वेराइटीज़ है वो मुंबई डिस्कस गैलरी में देखने के लिए मिल रही है। हमेशा इनके पास काफ़ी अच्छा स्टॉक रहता है। तो इस टैंक में कौन सी डिस्कस फिश है? इसमें ब्लू रिम रेट्रोज है। यस, और इनकी साइज़ 4 इंच के आसपास है, 4-4.5 इंच। अच्छा, और प्राइस रेंज रहेंगे 4,000 से लेके 6,500 रुपये पर पीस तक, डिपेंडिंग ऑन पीस। अच्छा, जो प्रोमिनेंट ब्लू रिम दिखा रहा है उसका ही प्राइस ज़्यादा है। यस, काफ़ी ब्यूटीफुल डिस्कस है। और एक क्या जो रेड कलर जो पैटर्न आता है वो थोड़ा महंगा आता है ना सर? हाँ, रेडनेस जिसमें ज़्यादा है, और मेन इसमें ब्लू रिम रहता है। अच्छा अच्छा, और इसमें भी बहुत सारी ब्लड लाइन्स अभी काम शुरू है। यस, तो आई काज भी आया है हमारे पास। हाँ हाँ, तो आई का एक बेसिकली बीच में बार रहता है। यस, इतना डेंस बार रहेगा उसका उतना प्राइस। अच्छा, सिंगल बार रहते हैं ना वो? हाँ, मल्टीपल बार्स भी आते हैं, तो अच्छा, इसमें अच्छा। भी कुछ कुछ ब्लड लाइन्स दिखनी है आपको। हाँ, हमारे छोटे पीसेस भी है हमारे पास, उसमें भी वो ब्लड लाइन अब रिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि धीरे धीरे ब्रेड हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इस टैंक में
काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ है और अलग अलग साइजेस में है, अलग अलग स्ट्रेन में है, तो काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो इस टैंक में कौन से डिस्कस फिश है? इसमें रफलेशिया है, वाइट बटरफ्लाई है, रेड चेकर बोर्ड है, एक हेकल है, एक आइका है, स्नो इरप्शन है, गोल्डन चेकर बोर्ड है। सब मिक्स अभी किया है क्योंकि सॉर्टिंग का टाइम नहीं था। तो इसमें लगभग 3 इंच से लेके 3.5 इंच से लेके 4.5 इंच तक का मैक्स साइज है। यस ओके। और ये भी एक्वा न्यूट्रिशन का ही अभी फूड दे रहा हूँ मैं। जब फूड भी अपना ही है ना? हाँ, एक्वा न्यूट्रिशन का ब्लड बम्स। अच्छा। हाँ तो सर, मैंने ऐसा काफ़ी सुना है कि डिस्कस फिश को बहुत लोग हैं वो मना करते हैं ब्लड बम्स, तो प्रॉपर स्टरलाइज रहना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा। प्रॉपर स्टरलाइज्ड है, स्टरलाइज है ना प्रॉपर? हाँ, एक्वा न्यूट्रिशन का प्रॉपर स्टरलाइज्ड है। ब्लड वर्म भी यहाँ पे अवेलेबल है, प्योर स्टरलाइज है, तो इनके पास से आप ले सकते हो ब्लड वर्म्स। आप देख सकते हो सेम ब्लड वर्म से इनका जो है वो उनके फिश के लिए खिलाते हैं, और आप देख सकते हो डिस्कस फिश है काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है फूड है। तो अभी इस टैंक में जो डिस्कस फिश है उनकी साइज क्या है और उनका प्राइस क्या है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसमें साइज है 3.5 इंच से लेके 4.5 इंच तक है, और प्राइस रहेगा इसमें 1000 रुपये से लेके 7500 रुपये तक है। वो स्पॉटेड इरप्शन है, हाँ वो महंगा है, बाकी सब मतलब डिपेंडिंग ऑन क्या है इसमें, क्योंकि सब मिक्स हो गया है। रेगुलर ग्रेड्स, हाई ग्रेड्स और असॉर्टेड ग्रेड्स। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें सॉर्टिंग करना बाकी था, पर फिर भी आप जैसे पूछोगे स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज देना। दोस्तों, जैसे आप अगर सर को अगर आप किसी डिस्कस फिश का प्राइस पूछना चाहते हो तो मेक श्योर स्क्रीनशॉट आप उनके नंबर पे सेंड करो व्हाट्सएप पे, तो आपको प्राइस है वो एग्जैक्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्यूटीफुल एंजल फिश, और आप पीछे के साइड में देख सकते हो है डिस्कस फिश। अभी आ गए हैं फ्रंट साइड में और काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। देखो, मैं एक देख रहा हूँ कि आपके पास जो डिस्कस फिश है अगर वो साइज में भी छोटा है तो भी वो अच्छे से पैटर्न है वो शो कर रहा है, और एकदम मतलब उसका जो कलर है पैटर्न के वो काफ़ी मतलब डार्क शो कर रहा है। ये जो फिशेस देख रहे हो आप, ये फाइन लाइन टाइगर है और येलो क्रिस्टल है, और एक इसमें क्रॉस स्ट्रेन भी है। तो ये जो फाइन लाइन टाइगर जो आप बोल रहे हो, इतना अच्छा कलर और पैटर्न जो डेवलप हुआ है इतना छोटे से साइज में भी, ये दिस इज ड्यू टू सिलेक्टिव ब्रीडिंग। बहुत बहुत समय के बाद ना अच्छे से बनता ही है। तो ये कमाल सिर्फ सैम्स डिस्कस का ही है। और ये एंजल फिश, एंजल फिश कौन सी वैरायटी है? ये एंजल फिश इसमें मनकापुरा है। हाँ। और एक डैंटम भी है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या इनका साइज और प्राइस है दोनों? एंजल्स का साइज जो है मनकापुरा का ये 3 इंच साइज है अप्रोक्स, और इनका प्राइस रहेगा 2500, और डैंटम जो है वो 3.5 इंच बॉडी है, और बाकी फिन टू फिन अप्रॉक्स 6 इंच होगा। यस, उसका प्राइस रहेगा 6500। फाइन लाइन टाइगर का प्राइस है 1560, और 2.5 इंच का साइज है, और येलो क्रिस्टल का 1200 है। अच्छा, ठीक है, उसका भी साइज 2.5 इंच है, सब एक्टिव है, हेल्दी है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जायंट फिश। मैं सच बताता हूँ कि इतने बड़े साइज में मैं कभी देखा नहीं, इतना बड़ा जियोफगस। एक्चुअली बहुत कम साइजेस के जियोफगस मैं देखते आया हूँ, पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बड़े, मतलब आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो मेरा हैंड है मेरे हाथ से भी बड़े जियोफगस है, और फर्स्ट टाइम मैं इतने बड़े जियोफगस है वो कवर कर रहा हूँ किसी स्टोर में जाके। तो काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ इन जियोफगस के बारे में जानने के लिए, तो इसके बारे में बताइए। इसमें 10 से 12 इंच का साइज है जियोफगस का। इसमें वाइन मिलेरीज है। अच्छा, 4 वाइन मिलेरी है और एक सूर्यमेंसिस है। अच्छा, ये सूर्यमेंसिस है क्या? हाँ, ये वाला काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफी बड़े जायंट है।
अच्छा, तो मॉन्स्टर लवर्स के लिए या तो फिर जिसका बड़ा साइज। क्या साइज है इनका अभी? 10 से 12 इंच है लगभग। एक फीट ही पकड़ के चलो आप। एक फीट ना हुई अप्रॉक्स है, मैं कभी गिना नहीं है इसमें, बट देख के समझ में आता है क्योंकि दोनों हाथ में आप पकड़ोगे काफी बड़ा है। नहीं काफी बड़ा है, टैंक में समझ में नहीं आएगा। टैंक में नहीं समझ में आता, और मैं सच बताता हूँ ना, वीडियो में भी इतना समझ में नहीं आता, पर जब भी सामने सामने कोई फिश देगा तो उसको पता चलेगा कितना बड़ा साइज है। पर काफी मतलब मैसिव, इसका जायंट है, पूरा जायंट है, हेल्दी और एक्टिव है। यस, और मैंने देखा है कि जो बड़े, जो जितना बड़ा फिश होता है तो उसका एक्टिवनेस कम होता है, पर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफी अच्छा इनका एक्टिवनेस है। एक्चुअली अभी जस्ट आए हैं तो मैंने समझ लो क्वारंटाइन में रखा है थोड़ा। यस यस, जैसे ऊपर का टैंक भी बनता है तो मेरे को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। यस यस, ये इतने बड़े टैंक में भी उनको जगह नहीं हो रही है अच्छे से घूमने के लिए। इनका क्या प्राइस है? इसका प्राइसिंग के लिए आप बेटर रहेगा मेरे से कॉन्टैक्ट करना, तो मैं आपको स्पेशल ऑफर्स दे दूंगा इस पर जो भी दे सकता हूँ। जनरली महंगा ही रहता है ये, बट मैं आपको एक रिजनेबल प्राइस में दूंगा, तो आप उसके लिए व्हाट्सएप कर देना मुझे। तो हम लोग फिर से एक बार डिस्कस फिश के स्टॉक में आए हैं, और यहाँ पे देख सकते हो ब्यूटीफुल डिस्कस फिश, और काफ़ी अच्छे साइज में है, तो इनके बारे में बताइए। इसमें सिलेक्टेड फिशेस है जो मैंने सेपरेट करके रखा है। रिफ्लेक्शन डी है, ब्लू रिम रेड रोज है, स्पॉटेड इरप्शन है, रेड टर्कोइज है। इनकी सबकी साइज 5 इंच टू 6 इंच है। यस yes। और इनका प्राइस रेंज रहेगा 4,000 रुपीज से लेके 9,500 रुपये तक। ब्लू रिम रेड रोज जो है वो हाई कॉस्टिंग है। यस yes। बाकी आपको मिल जाएगा नॉमिनल में। मतलब ये रहता है ना सर, मतलब कि जितनी अच्छी स्ट्रेन रहती है, मतलब और रेयर स्ट्रेन रहते हैं, उसका प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा रहता है। राइट, उसका शेप और वो कलर भी अच्छा है, कलरेशन अच्छा। हाँ, पर पैटर्न के ऊपर भी रहता है ना सर, फेडेड रहेगा तो उसका प्राइसिंग कम रहता है। राइट, पर अगर डार्कनेस रहेगा और अच्छे से पैटर्न रहेगा तो उसका प्राइस अच्छा रहता है, मतलब अप रहता है। तो दोस्तों अभी हम लोग इस टैंक में कवर कर रहे हैं हैकेलीज और डिस्कस फिश। तो कौन से डिस्कस है इसमें? सब मिक्स वेराइटी है। अच्छा। और ये डिस्कस कोई भी लो आप, 1,000 रुपीज पर पीस में मिल जाएगा आपको। अच्छा, हाँ ये ऑफर में दे दूंगा मैं। और सब दो हाई बॉडी है, ज़्यादातर हाई बॉडी है इसमें। यस, तीन हाई बॉडी दिख रहा है और दो नॉर्मल दिख रहा है, और हेल्दी है डिस्कस, और 3 इंच का साइज है अप्रॉक्स। 1,000 में कोई भी आपको मिल जाएगा इसमें से। स्नेक स्किन है, स्पॉटेड लेपर्ड है, दो वाइट फेस रेड है, और एक गैलेक्सी टर्कोइज है, और इसमें अल्बिनो हैकेलीज है मेन। यस, जो कि 2 to 2.5 inch के साइज में आया है मेरे पास। और इसका प्राइस रहेगा 475 each। 475 रुपीज? हाँ, 475 each। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, फास्ट ग्रोइंग रहता है और बहुत अच्छे हेल्दी एक्टिव है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्कस फिश का भी काफी अच्छा रेट है। इनके आप पैटर्न देख सकते हो, इनका जो ओवरऑल जो साइज है आप वो देख सकते हो, शेप देख सकते हो, और उसके साथ हैकेलीज है। और आपको भी पता है दोस्तों कि 475 इस अल्बाइनो हैकेली के लिए काफ़ी कम प्राइस है, और आप देख सकते हो ये जो हैकेलीज है काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी हेल्दी है। तो ये जो प्राइसिंग है उसका बेनिफिट उठा सकते हो, जो अभी मुंबई डिस्कस गैलरी में आपको काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल रहा है। तो जल्दी से जल्दी इनके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हो मुंबई डिस्कस गैलरी में। अभी ईस्ट टैंक में कौन से डिस्कस है? इसमें सब छोटे साइज है, 5 to 6 centimeters। ब्लू डायमंड्स मिलेंगे आपको इसमें, गोल्डन चेकर बोर्ड है, स्नो वाइट है, और ब्लू रिम रेड रोज है। अच्छा, क्या साइज और क्या प्राइस है इनका? जैसे साइज बोला मैंने 2.5 inch, 5 to 6 centimeters, और प्राइस रहेगा 750 रुपए से लेके 1,200 रुपए तक। अच्छा, हाँ। तो अभी हम लोग अनदर टैंक कवर कर रहे है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो जियोफोकस और डिस्कस फिश है। और ये सर आपने कौन सा है अभी फूड आपने चेंज किया क्या? हाँ, ये चेंज किया है, इनको अभी चिकन हार्ट मिक्स का क्यूब डाला है मैंने। अच्छा। बाय नेचुरल है। यस, मैं एक्चुअली मिक्स फीड करता हूँ, चिकन हार्ट मिक्स देता हूँ जो कि हमारा बाय नेचुरल ही है एक्वा न्यूट्रिशन का। फिर दूसरा ब्लड वर्म्स भी देते हैं हम, स्टरलाइज्ड वाला। यस, आर्टिमिया भी देते हैं। अच्छा, फिर ड्राई में ग्राइंडी 50 वगैरह सब मिक्स फूड खिलाता हूँ, यानी क्या है अच्छे से अडेप्ट हो जाए सभी चीज़ खाए।
एक ही चीज़ पे रख के मतलब नहीं है। तो ये अभी हम लोग जियो फोकस कवर कर रहे हैं, उसका क्या साइज़ है और क्या प्राइस है? इसमें 3-3.5 इंच का साइज़ है और ये आ जाएगा आपको 1500 रुपये में। और ये डिस्कस फिश? ये डिस्कस फिश असॉर्टेड ग्रेड्स है, छोटे वाले मिल जाएंगे 400 रुपये तक। अच्छा। और हाँ, और बड़ा वाला 1800 रुपये में, असॉर्टेड ग्रेड्स है सब। यस सर, इस टैंक में कौन से डिस्कस है? इसमें सब बड़े साइज है। अच्छा। हाँ, असॉर्टेड मिक्सी है ये भी, और इसमें लगभग 5 इंच से लेके 6 इंच तक है। इसमें कैलिको है, सैनमेरा है, पिजन वाइट बटरफ्लाई है, मर्क्यूरी ब्लू एंजल है, फ्लोराज है। और इसका प्राइस रेंज रहेगा 3500 रुपये से लेके 6000 रुपये तक रहेगा। अच्छा। तो सब देख सकते हो बड़े साइज में है, काफ़ी रिजनेबल प्राइस है। ये चिकन हार्ट मिक्सी खा रहा है। यस, ये अवेलेबल है ना सर? हाँ, ये अवेलेबल है, ब्रिस्टल क्यूब्स। अच्छा। तो सर, अगर आप डिस्कस मुंबई डिस्कस से बाय कर रहे हो, मुंबई डिस्कस गैलरी से बाय कर रहे हो, तो फूड भी ये सब ले सकते हो, इनके पास अवेलेबल रहता है। तो एक क्लब करके आप फूड भी आप घर पे डिलीवरी इनका मंगा सकते हो, या फिर ऐसे अगर आप फूड भी चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कोई फिश यहाँ पे अवेलेबल है, अलग अलग स्ट्रेन में अवेलेबल है। और कैसे कि टैंक में उतना ब्यूटी नहीं दिखता है, तो इसके लिए हमने टब में इसको निकाला है। तो मुंबई डिस्कस गैलरी में अलग अलग स्ट्रेन में अवेलेबल है। तो सर, क्या साइजेस में और क्या प्राइस में अवेलेबल है? अभी मेरे पास मल्टीपल कॉइज आई है। yes. और इसमें साइज रहेगा लगभग 5 इंच से लेके 8-9 इंच तक का है मेरे पास, अलग अलग अवेलेबल। ये सैंपल के लिए जैसे आपको टब में निकाल के दिखाया। yes, क्योंकि जनरली इसका टॉप व्यू ही देखा जाता है। यस। तो इनका प्राइस रेंज रहेगा 400 रुपये से लेके 600 और 800 और 1000। अभी फ़िलहाल ये रेंज में है मेरे पास अलग अलग। तो आप जैसे इंक्वायरी करोगे, मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा, आप मेरे को सिलेक्ट करके बता सकते हो कौन सा पसंद आ रहा है। डिपेंडिंग ऑन दैट फिर जो भी आप ले सकते हो, जो भी पसंद आता है। हाँ, तो दोस्तों 400 से लेके 1000 रुपीज़ से लगा एज पर स्ट्रेन, एज पर साइज रहेगा। तो एक बार आप इंक्वायरी कर सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग वेराइटीज़ के फूड है यहाँ पे अभी डिस्प्ले में आ रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने इनका डिटेल्स में वीडियो बनाया, तो ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हो। मुंबई डिस्कस गैलरी का पूरा प्लेलिस्ट है मैंने बना के कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो ऐसे फूड्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, तो इनके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मुंबई डिस्कस गैलरी का नंबर है, अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये था वीडियो मुंबई डिस्कस गैलरी का था, जिसमें हमने अलग अलग वेराइटीज़ के डिस्कस फिश वो कवर किए हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। तो आप सर, जाते जाते क्या बोलना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? सो थैंक यू सो मच प्रथमेश फॉर कवरिंग अस, एंड व्यूअर्स थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट। होप आपको ये स्टॉक पसंद आए, और आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल मिल जाएगा, आप कभी कनेक्ट कीजिए। सो हम अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू भाविक सर, आपने आपका जो कीमती वक्त है हमारे वीडियो के लिए दिया, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करने की। तो दोस्तों, ये था वीडियो मुंबई डिस्कस गैलरी का था, जिसमें मैंने अलग अलग वेराइटीज़ के डिस्कस फिश वो कवर किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो है वो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। आपको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिली रहेगी। डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, तो ज़रूर यहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हो, या फिर वाया कॉन्टैक्ट नंबर है इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और जो भी आपको डिस्कस फीस चाहिए इनसे आप ले सकते हो। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। टेक केयर एवरीवन, एंड बाय।